बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल हमने नंबर लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। और उन्हीं नंबर लाइन की कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं जो कि पेज नंबर 15 पे है आपकी बुक में। अपनी बुक अपने सामने रखें और अपनी पेंसिल को शार्प रखें, मैं आपको बताती जाती हूँ, होपफुली आप ख़ुद भी इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। नंबर वन जो हमारे पास है उसमें एक नंबर लाइन बनी हुई है और ब्लैंक बॉक्सेस भी बने हुए हैं। देख लीजिए, नंबर लाइन पे भी हमारे पास नंबर्स लिखने के बाद कुछ साइड कुछ नंबर्स को लेफ्ट किया गया, छोड़ा गया है, जो कि हमें बताने हैं। लेकिन कैसे बताएंगे, जब हमें मालूम होगा वो नंबर लाइन में कितना गैप है, एक के बाद दूसरे नंबर में कितना गैप है, तो इसी से हम नंबर लाइन को सॉल्व करेंगे और वो बॉक्स में भी वही नंबर लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला है 115 और फिर उसके बाद नंबर नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 117, 118, 119 और फिर नंबर नहीं लिखा हुआ। तो इससे क्या पता लग रहा है कि ये नंबर लाइन जो है वो सिंपल काउंटिंग चल रही है। 115 के बाद 116 आएगा, आपका पहला ब्लैंक बॉक्स जो है वो किससे फिल हो जाएगा, 116 से। शाबाश। और फिर 117 है, 18 है, 19 है, तो हमारे पास कौन सा बॉक्स नहीं, बॉक्स में क्या नंबर आएगा, 120। वेरी गुड, शाबाश। 121, 122, 123, तो उसके बाद 23 के बाद क्या आता है, 124। और इसी आसानी से, इसी तरीके से आप अपने नंबर लाइन को और इन बॉक्सेस को फिल करते जाएंगे, जैसा आपने अभी किया। कम टू द नेक्स्ट, बी पॉइंट पे आते हैं। बी पॉइंट पे भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है और स्ट्रेट लाइन पे कुछ नंबर्स हैं, उन नंबर्स को देखते हैं वो कैसी सीरीज़ में जाते हैं। 231 और 233 हमारे पास पहला नंबर गिवन है। 231, 233 और उसके बाद एक ब्लैंक लाइन हमारे पास छोड़ी हुई है। तो 231 और 233 में क्या कितना गैप है, कौन सा नंबर मिसिंग है, 232, एक नंबर मिसिंग है। तो हमारे पास जो बॉक्स में नंबर आएगा वो भी एक नंबर मिस करके आएगा। कौन सा नंबर हम मिस करेंगे, 234। और जो नंबर आ जाएगा बॉक्स में वो कौन सा होगा, 235। शाबाश। 236 नहीं है हमारे पास, 237 है। 238 नहीं है हमारे पास, 239 है। 239 के बाद 240 नहीं है हमारे पास, हमें नहीं लिखना, 241 है। और 241 के बाद हमारे पास दोबारा से गैप आ गया, तो एक नंबर लीव करके, छोड़ के, लेफ्ट करके, स्किप करके हम एक नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, वो कौन सा होना चाहिए, 243। गुड, शाबाश। इसी के साथ आगे भी सीरीज चलती जा रही है। 245, 247, 249, 251 एंड 251 के बाद 53 आएगा। शाबाश। तो तीनों बॉक्सेस आपके फिल हो गए। वेरी गुड, शाबाश। अच्छे से नंबर्स लिखे हैं ना, साफ साफ क्लियर क्लियर नंबर लिखने हैं। वेरी गुड। अब आप एक खुद से सॉल्व करें। ठीक है, नंबर हमारे पास है 654। 654 में हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो होगा उससे पहले हमें चेक करना है कि इनमें कितना नंबर गैप है, उसी नंबर गैप के हिसाब से हम आगे सीरीज़ को फिल करेंगे। ठीक है, 254, 654, 655, 656, 657, 658 और 659 हमारे पास गिवन है। तो इसमें कितना गैप था, 5 नंबर्स का गैप था। नेक्स्ट आपको लिखना है, 5 नंबर्स का गैप कीजिए। 660, 661, 662, 663, 664 आएगा। वेरी गुड। ठीक है, इस बॉक्स में ब्लैंक नंबर में 664 आएगा। और आगे फिर से हमारे पास 5 नंबर्स हम लीव करेंगे, देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है,
664 के बाद 665, 666, 667, 668, 669. क्या 669 लिखा हुआ है? यस, 669 सही. और इसी तरह से गैप करते हुए हम आगे बॉक्सेस को फिल करेंगे और ये आप खुद से करेंगे. ठीक है, आपको समझ आ रही है? नंबर लाइन की हेल्प से हम अपने बॉक्सेस को फिल कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज मिसिंग नंबर्स हम खुद से कंप्लीट करेंगे. थर्ड जो डी पॉइंट है आपका, वो डी पॉइंट आप इसी तरह से काउंट करेंगे और फिल करेंगे. और इसी के साथ हम फिर मुलाकात होगी हमारी. टीचर आपको कॉल करके ये तमाम आपका रिव्यूज़ लेंगी, पूछेंगी कि आपने कैसे सॉल्व किए और होमवर्क चेक करेंगी और देन आपकी इस एक्सरसाइज कंप्लीट होगी. फिर हम फिर मुलाकात होगी. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.